हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रंजन सर यूट्यूब चैनल। और डियर, आज हम आपके लिए लेकर आए एसबीआई क्लर्क प्रेपरेशन 2019 के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। डियर, जैसा मैंने अभी इसके पहले दो वीडियोस डाले आपके स्पॉटिंग एरर के, तो आज हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से। और आज मैंने जो लेवल लिया वो ईजी लेवल है, धीरे धीरे करके मैं आपको लेवल हाई करूँगा। तो अभी आज सेट वन में हम देखने वाले हैं कुछ ईजी से फिलअप्स, जो कि आपको बहुत ही बेस्ड ऑन ग्रामर, जो आपका ग्रामर्स का रूल होता है ना, बिल्कुल हम उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो डियर, सबसे पहले एज मैं पहले भी कहता आया हूँ आपसे कि इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ेंगे। जब भी हो आप शुरू करें कोई भी क्वेश्चंस करना, तो आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ेंगे। तो आज इंस्ट्रक्शन पढ़ के देखते हैं। चूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस टू सुटेबली फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो सो दैट द सेंटेंस मेक्स सेंस। मतलब ऐसा सुटेबल वर्ड हमें यूज करना है जो कि सेंटेंस क्या कर दे, हमें मीनिंगफुल कर दे, सेंटेंस का कोई अर्थ दे दे, बोथ ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्स्चुअली। दोनों तरीके से, कॉन्टेक्स्चुअली भी चाहिए हमें और ग्रामेटिकली भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे डियर दो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे। इट्स कॉस्ट इज 3000 रुपीज। वर्ड होगा, बाउट होगा, क्लियरली होगा, अवेलेबल होगा। तो डियर, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, जो मैं अपना अप्रोच आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप जो एकदम बिल्कुल ऑकवर्ड लगे, जो बिल्कुल ऑड लगे, पहले आप उसे छाट दीजिए। क्लियरली 3000 कब बोलते हैं, हम कभी बोलते नहीं, इसका यूज़ हम करेंगे नहीं, इसे कंसिडर नहीं करना। अवेलेबल, इट कॉस्ट इज अवेलेबल 3000 होगा ही नहीं। अब आते इट्स कॉस्ट इज बॉट। अब देखेंगे डियर, इट्स कॉस्ट इज बॉट, अगर समथिंग इज बॉट, अगर यहाँ पे कॉस्ट नहीं होता तो हम बॉट को कंसिडर कर सकते थे, समथिंग इज बॉट फॉर 3000 रुपीज या समथिंग लाइक। लेकिन यहाँ पे चूंकि कॉस्ट इसने पहले लगा दिया है तो बॉट होने का कोई चांस ही नहीं। तो बच्चा आखिर में मिला जुला करके हमारा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन पड़ा वर्थ। इट कॉस्ट इज वर्थ 3000 रुपीज। तो डियर यहाँ पे मैं समझा दूँ कि जहाँ पे आप फोर प्रेपोजिशन यूज करते हैं ना, सेम जगह पे हम वर्थ का यूज कर सकते हैं। इट्स कॉस्ट इज फॉर 3000 रुपीज़, हम ऐसा भी लिखते हैं, जैसा मैं एक सेंटेंस में आपको लिख के बताऊं कि आई बॉट दिस पेन, ठीक है, आई बॉट दिस पेन फॉर 3000 रुपीज़, फॉर 3000 रुपीज़। तो हम ऐसा भी लिख सकते थे कि आई बॉट दिस पेन फॉर 3000 रुपीज़। तो सेम मीनिंग के जैसा हम यहाँ पे यूज करते, जो प्रपोजिशन फोर होता वही वर्ड होता है, मतलब उतना के बराबर है। नेक्स्ट हमारा नंबर दो डियर, द चाइल्ड वॉज लेफ्ट, चाइल्ड को छोड़ दिया गया इन द सर्वेंट्स। अब देखेंगे यहाँ पे अपोस्ट्रोफीएस लगा है, तो डियर सर्वेंट्स, अब क्या होगा, सर्वेंट्स के बाद सबसे पहले ऑड छाटेंगे, ऑड जो हमारा है उसे पहले अलग कर दूँ। बच्चे को छोड़ दिया गया था सर्वेंट्स के अंदर, अब सर्वेंट्स के क्या, वर्क के अंदर, सर्वेंट्स के काम मतलब नौकर या नौकरानी के काम के अंदर छोड़ दिया गया था, नहीं डियर ये बिल्कुल ऑड है। ड्यूटी, ड्यूटी के अंदर छोड़ दिया है, तो शायद हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। हेल्प, बिल्कुल कंसीडर नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन और ड्यूटी, अब हमारे पास दो है, अब इन दोनों में फिट करके अगर आप देखते हैं कि द चाइल्ड वॉज लेफ्ट इन द सर्वेंट्स ऑब्जर्वेशन और ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य और ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देख रेख, तो मतलब सर्वेंट्स के ऑब्जर्वेशन में छोड़ दिया गया था बच्चे को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। नंबर तीन है हमारा डियर, चंद्रावती वॉज इन स्लीप एंड कुड नॉट बी इजली अवेकेंट। क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन हमारा फास्ट, अगर फास्ट स्लीप को करें तो डियर फास्ट स्लीप तो नहीं होता, लेकिन फास्ट एज स्लीप होता है एक फ्रेज के जैसा हम यूज करते हैं, जब एज स्लीप रहेगा तब स्लीप के साथ हम यूज नहीं कर सकते। टोटल स्लीप, डियर टोटल स्लीप कब यूज करेंगे, टोटल हम लोग मार्क्स होता है, टोटल स्लीप के साथ हम यूज नहीं करते। डिप और सेवर, ये दोनों हमारा है, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया कि ये दोनों आप कभी यूज ही नहीं कर सकते। तो डियर मैं शेवर के बारे में बता दूं, शेवर का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब ये दर्द या पीड़ा आप बतलाओ, बहुत ज़्यादा दर्द हो या बहुत पीड़ा हो तो हम यूज करते हैं शेवर पेन। तो देखिए शेवर भी हमारा कट गया, बचा कौन लास्ट में हमारा डीप। तो चंद्रावती वॉज इन डीप स्लीप एंड कुड नॉट बी इजली अवेकेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डीप स्लीप हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर हमारा, हैड ही नोन अबाउट हिज बैड हेल्थ, यदि उसे अपने बैड हेल्थ के बारे में पता चल गया होता, He have taken adequate care. क्या यहाँ पे होगा, would, should, shall और will। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा वो ज़रा देखें आप, कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं had की, ठीक है, जब हम had की बात कर रहे हैं तो had यहाँ पे यूज कैसे होता है ज़रा देखें, जहाँ पे आप if यूज करना चाहते ना,
ई फॉर हैड प्लस वी थ्री, मतलब जिस पार्ट में हैड प्लस वी थ्री हो तो उसमें क्या करते हैं कि इफ को हटा के हम हैड को शुरू में ला सकते हैं। तो यहाँ पे इफ और हैड मतलब दोनों पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ किया गया है। और जब पास्ट परफेक्ट में डियर अगर कंडीशनल दिया हो तो सेकेंड वाले पार्ट में सबसे पहली बात ये पास्ट में है तो विल हमारा होगा नहीं, शैल हमारा होगा नहीं, क्योंकि सेकेंड पार्ट भी हमको पास्ट में चाहिए। और जैसा हम लोगों को पता है कि इफ़ वाले कंडीशन में अगर हम सेकेंड पार्ट में पास्ट का रूप लिखे तो हम क्या लिखते हैं, वुड या शुड का यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही है तो इसके लिए क्या जो ज़्यादा बेहतर होगा क्या होगा, वुड होगा। अगला आते हैं डियर, अगला हमारा है द गवर्नमेंट हैज़, सॉरी द गवर्नमेंट एम्स रिहैबिलिटिंग द अफेक्ट विक्टिम इन द क्लामटी। अब यहाँ पे देखेंगे टू आएगा, फोर आएगा, एट आएगा और ऑन आएगा। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ करना है कि एम के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं। तो डियर इसमें आपको करने के लिए ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना, आपको याद करना है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो एम के साथ अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो एम के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, एट लगता है। तो गवर्नमेंट एम्स एट रिहैबिलिटिंग द अफेक्ट्स विक्टिम इन द क्लैमिटी। ठीक है डियर, समझ में आ गया कि यहाँ के एम्स के साथ क्या लगेगा, हमारा एट प्रेपोजिशन आएगा। नंबर सिक्स में आते हैं, नंबर सिक्स हमारा डियर, आई हिम टू गो अवे बिकॉज आई वॉज टायर्ड एंड नीडेड सम रेस्ट। मैंने उसको जाने के लिए क्या किया, ट्राई किया। जरा देखेंगे जो मैं ऑड है, पहले ऑड वन को मैं छाट रहा हूँ कि आई ट्राइड हिम टू गो अवे, नहीं ट्राइड कोर्सिस का, कोर्सिस तो कोई काम करने के लिए हम लोग यूज करते जब आगे कोई काम हो। यहाँ कह रहा है कि मैंने उससे क्या कहा, वॉन्टेड, मैं उससे चाहा या मैं उससे कहा, आई सेड हिम टू गो अवे बिकॉज आई वॉज टायर्ड एंड नीडेड सम हेल्प। तो जरा सेड को अगर कंसिडर करके देखें डियर, कि सेड के साथ जनरली हम जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। तो देखो टायर्ड हमारा कट गया था और सेड के साथ चूंकि टू आता है तो सेड भी हमारा कट गया, चूंकि इसके बाद हीम डायरेक्ट लगा रखा है। अगर टू हीम होता तो सेड ऑटोमेटिक हो जाता। अब यहाँ पे बात हमारी आती है कि आई विश्ड हीम, मैंने इच्छा जताई उससे कि आप चले जाइए यहाँ से क्योंकि मैं थका हूँ और मुझे कुछ नींद की ज़रूरत है, ठीक है, या कुछ रेस्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो वांटेड और इसमें होगा तो वांटेड हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे कि आई वांटेड हिम टू गो, मैं नहीं, सॉरी मैं चाहता था कि वो चले जाए, नहीं मैंने उससे आग्रह किया कि आप चले जाएं। तो किसी से जब हम आग्रह करते तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विस्ट। क्लियर हो गया कि वांटेड, अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप समझ लीजिए वांटेड का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि वो चले जाए, लेकिन नहीं। अब क्या हो गया कि अगर मान लो ये हो जाए कि ये इससे रिलेट करता तो वांटेड नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते किन्हीं से हम कृपा, ओ सॉरी रिक्वेस्ट कर सकते कि आप यहाँ से चले जाइए, उसके लिए हम यूज करते हैं विस्ट। नंबर सेवन पे हमारा, अ ग्रुप ऑफ हाई स्कूल गर्ल्स द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंज। अब देखिए इस सेंटेंस में ऐसे पता चल रहा है कि हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ा। अब सिंपल में है कि जब ऊंचाई पे चढ़ने के लिए हम यूज करते तो क्या करते, वन करते क्या, ये तो कोई मैच वगैरह कुछ जीतने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लोस्ट नहीं होगा, हारने का सेंस यहाँ पे दे ही नहीं रहा है। वॉक्ड, वॉक्ड डियर हम लोग फ्लैट पे चलते तो वॉक्ड लिखते हैं, हम अगर ऊपर पे चल रहे तो वॉक्ड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ यूज करेंगे, स्केल्ड, जब हम किसी ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, स्केल्ड। अ ग्रुप ऑफ हाई स्कूल गर्ल्स स्केल्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज। आई होप ये छोटे छोटे एकदम ईजी लेवल के हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नंबर एट पे हमारा डियर, आठवें नंबर पे आए जरा हम, रमेश वेल विशर्स वेंट टू एक्सट्रीम टू हिज बिजनेस रेपुटेशन। अब जो रमेश के वेल विशर थे वेंट टू एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल हद तक गए टू हिज बिजनेस रेपुटेशन, उसके बिजनेस के रिपुटेशन को क्या करने के लिए, स्पॉइल करने के लिए। तो देखिए अगर वेल विशर हैं डियर तो वेल विशर आपके स्पॉइल नहीं करेंगे, तो ये ऑड वन हमारा ऑटोमेटिक कट गया। स्पीक, अब स्पीक कहीं होगा नहीं कि वेल बी सर उसके बिजनेस के बारे में क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे, ये नहीं होगा। अब जरा आए इनहांस और इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना और इनहांस का भी मतलब होता है प्रमोट करना या बढ़ाना। तो डियर यहाँ पे इंक्रीज अगर कोई चीज़ हो उसे अगर हम बढ़ा रहे तब इंक्रीज का यूज करते हैं, चूंकि उसके बिजनेस रेपुटेशन की बात हो रही है तो उनके बिजनेस रेपुटेशन को क्या किया जाएगा, इनहांस किया जाएगा। टू इनहांस हिज ब्यूटी, सॉरी बिजनेस रेपुटेशन मतलब और अच्छा बनाना, जो भी रेपुटेशन है उसको और अच्छा बनाना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनहांस, इंक्रीज नहीं। तो आई होप डियर ये छोटी छोटी इजी वाले जो आपके थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
डियर, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.englishgurulive.com पे। तो आई होप डियर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।